हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका जागरूक टीवी में। मैं हूं दर्शना कतराज और आप देख रहे हैं जागरूक बुलेटिन। बिना कोई समय व्यक्त किए आपको ले चलते हैं आज की सारी बड़ी खबरों की ओर। पिंडवाड़ा गांव से एक डॉक्टर का ऐसा खौफनाक किस्सा सामने आया है कि सुनते ही आप सबके दिल दहल जाएंगे। ऐसी लापरवाही शायद ही कभी सुनने को मिली होगी। बात है पिंडवाड़ा गांव की जुबैदा की, जिसके पेट में दर्द के चलते उसका पति अब्दुल खान उसे राजकीय अस्पताल लेके गया। वहां मौजूदा डॉक्टर भविष्य मंगलम ने उसका इलाज अस्पताल में करने के बजाय अपने प्राइवेट क्लिनिक में महज 5,000 रुपयों में किया, मगर उसकी हालत बिगड़ती देख वो जुबैदा को राजकीय अस्पताल लेकर गया। वहां से झूठे दस्तावेज बनाकर सीधा उदयपुर गीतांजलि अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भेज दिया। वहां जाके पता चला कि जुबैदा के उस बेपरवाह डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान 21 फीट छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन काट दी है और फिर जुबैदा को चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल रेफर कर दिया। वहां जाके पता चला कि उसके इलाज में 40 लाख का खर्चा होगा और अब ये गरीब परिवार असमंजस में है कि इतने सारे पैसे वो कहां से लाएंगे। और ये सब कष्टों का सामना जुबैदा और उसके परिवार वालों को करना पड़ रहा है बस एक बेपरवाह डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। जुबैदा के घर में मातम छाया हुआ है और अगर 15 दिन में उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसका मरना तय है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि राजकीय अस्पताल के अधिकारी सुशील कुमार ने सारी बातें जानते हुए भी दोषी डॉक्टर भविष्य मंगलम के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही दर्ज नहीं की है। आगे बढ़ते हुए, जालौर में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां 15 अगस्त की रात को मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में चोर लैपटॉप और 15,000 रुपये कैश के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर भाग गए। अब तक किसी के कंप्लेन नहीं करने की वजह से चोरों को पकड़ा नहीं जा पाया है। नैना राम लोहार और प्रवीण सिंह के साथियों ने पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को अपना ज्ञापन सौंप दिया है। और अगली खबर है पाली जिले से, जहां सोजत रोड पे बाबा रामदेव मंदिर के पास एक ऐतिहासिक 9 खंडीय सार्वजनिक बावड़ी है जो एकदम जर्जर अवस्था में है काफी समय से, मगर उसकी रिपेयरिंग के लिए पुरातत्व विभाग कभी भी सामने नहीं आए। एक समय पर सबके पेय जल का साधन होने वाली ये बावड़ी अब जर्जर हालत में है। मंदिर में आए दिन भक्तों का जमावड़ा लगे रहने के कारण एक बड़ा हादसा होने का भी डर बैठा रहता है। लेकिन 19 अगस्त को बाबा रामदेव मंदिर के मेले में आए राज्य सांसद राजकुमार वर्मा ने बावड़ी का निरीक्षण कर बावड़ी के रिपेयरिंग के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और अगली खबर है सोजत रोड से, जहां सोजत के लुंडावास गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर गांव वालों और छात्र छात्राओं ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है और फिर उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रशासन और स्थानीय विधायक के विरोध में जमकर नारेबाजी कर अपना रोष जताया और फिर गांव वालों ने तहसीलदार रोहित चौहान को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय में शिक्षकों की कमी से निजात दिलाने की मांग की। बाड़मेर के पत्रकार दुर्ग सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में पत्रकारों के साथ कई जिलों की आम जनता और कई बड़े नेता सामने आए हैं। शिवगंज सुमेरपुर के पत्रकारों ने पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित की गिरफ्तारी के विरोध में काली पट्टी बांधकर शिवगंज तहसीलदार प्रदीप मालविया को राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम का ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। और दूसरी ओर बाड़मेर जिले के सरहद से सटे चौहटन क्षेत्र में भी आज गुरुवार पत्रकार की गिरफ्तारी का विरोध किया। पत्रकारों सहित सारे समाजों के सैकड़ों लोगों ने चौहटन में शांतिपूर्ण रैली निकालकर उपखंड अधिकारी भूपेंद्र यादव को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर दुर्ग सिंह राजपुरोहित को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। एडवोकेट रूप सिंह राठौड़ ने बताया कि एक पत्रकार को जिस तरह षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करवाया उसकी आलोचना बाड़मेर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जगह जगह हो रही है। बाड़मेर पुलिस को किया सवालों के घेरे में। और जालौर में बाड़मेर के दुर्ग सिंह राजपुरोहित पत्रकार को गलत रूप से गिरफ्तार कर बिहार पुलिस लेकर गई मामले को लेकर आज राजपुरोहित समाज और सरवन समाज के नागरिकों की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय वासु को ज्ञापन दिया, जिसमें पत्रकार को झूठे मुकदमे और बेबुनियादी आरोप लगाकर गलत उपयोग में फंसाया गया है। उसको लेकर समाज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की गई। देसुरी एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बाड़मेर के पत्रकार दुर्ग सिंह के विरुद्ध बिहार में किए गए झूठे मुकदमे के मामले में उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार को प्रधानमंत्री के नाम अधिवक्ता हरि सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया।
देखो जागरूक, बनो जागरूक।